अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लोरियल पैट्स एल्बी क्रीमी लॉन्ग शैम्पू का रिव्यू, जो मेरे पास मौजूद है। ये लोरियल कंपनी का और ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। इसमें आपको ब्रांडेड भी मिल जाएगा, फॉरेन कंट्री वाला भी मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी भी अच्छा ब्रांड है। और इसमें आपको काफ़ी सारे वेरियंट मिल जाएंगे आपके हेयर के मुताबिक, जैसे आपके बालों की कंडीशन ड्राई डैमेज हेयर या डेलिकेट हेयर, ऑयली है, तो उसके हिसाब से आपको इस तरह के शैम्पू मिल जाएंगे। तो लोरियल वाला मैंने जो एलवी में काफ़ी सारे शैम्पू यूज़ किए हुए हैं, ब्लैक वाला भी यूज़ किया हुआ है, वाइट वाला भी यूज़ किया हुआ है, और गोल्डन वाला भी यूज़ किया हुआ है, और ये वाला ड्रीमी लॉन्ग वाला भी यूज़ किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे शैम्पू हैं और इजीली पाकिस्तान में मिल जाते हैं। और ये पाकिस्तान वाला वर्जन है, इसमें आपको फॉरेन कंट्री वाले मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये रिस्टोरिंग शैम्पू विद वेजिटेबल कैरेटिन एंड कैस्टर ऑयल एंड स्टेंसली रिपेयर्स लेंथ लॉन्ग डैमेज हेयर। ये लॉन्ग डैमेज हेयर के लिए, जिनके बाल जो चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे हो जाए, जिनके बाल डैमेज होकर छोटे हो जाते हैं, ड्राई डैमेज हेयर के लिए काफ़ी अच्छा ये शैम्पू है। और क्या इसमें जो है कैस्टर ऑयल शामिल है, अरंडी का तेल, जो बालों को मजबूती देता है और लंबा करता है, घना करता है। और इसमें कैरेटीन भी शामिल है, वेजिटेबल सब्जियों से जो निकला हुआ कैरेटीन होता है, और कैरेटीन से बाल बनते हैं। तो जिस शैम्पू में कैरेटीन होता है, वो शैम्पू ज़बरदस्त होता है, वो बालों को बढ़ाता है, बढ़ावा देता है, बालों को लंबा करता है, लॉन्ग करता है, जो काफ़ी अच्छा शैम्पू। और ये 360 ml की बॉटल है, और इसकी जो प्राइस है वो 879 है, यानी 879 रुपये का है। काफ़ी अच्छा शैम्पू, यहाँ पर बार कोड भी मेंशन है, प्राइस मालूम कर सकते हो, यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स, पाकिस्तान की स्टैम्प लगी हुई है, पाकिस्तानी है, लेकिन काफ़ी अच्छा शैम्पू है और इसके कोई नुकसान भी नहीं है। इसमें आपको काफ़ी सारे वेरिएंट मिल जाएंगे और साइजेस भी मिल जाएंगे, इससे बड़ा साइज़ मिल जाएगा, इससे छोटा साइज़ मिल जाएगा। और इस एल्बिक में आपको, लोरियल में आपको ऑयल भी मिल जाएगा, सीरम्स भी मिल जाएंगे, और क्रीम्स भी मिल जाएंगी, कंडीशनर भी मिल जाएंगी। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो इसके साथ इसका ऑयल भी यूज़ करें और इसका जो कंडीशनर है वो भी यूज़ करें, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और यूज़ करने का तरीका सिंपल है, जो कि मैं हर बार बता चुका हूँ, हफ्ते में आपने 2 से 3 बार शैम्पू करना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा शैम्पू करने से बाल ड्राई डैमेज हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। और ऑयलिंग, सबसे पहले ऑयलिंग ज़रूरी है, आपने ओवरनाइट ऑयलिंग करनी है, जो आपको सूट करता है ऑयल वो अपने बालों में लगाएं। और मेक श्योर करें कि अगर आप ये शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो इसी क्वालिटी का, इसी कंपनी का आप शैम्पू भी यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो रात में कर लें, रात भर लगा रहते हैं, सुबह किसी भी अच्छे शैम्पू से या ये वाले शैम्पू से आपने वॉश कर लेना है बालों को। और अगर सर्दियाँ हैं तो नीम गर्म पानी से, ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, और सर्दियाँ गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल टैप वाटर से आप वॉश कर सकते हैं। और बालों को आपने पैट ड्राई करना है, सिर्फ टॉवल को लपेट कर, झटका नहीं दिया करें, इससे बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं। ये धोने के बाद बहुत ज़्यादा हमारी जो रूट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, अगर हम उस पर टॉवल से झटका मारते हैं तो बाल टूटने लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जो रूट्स है ना वो कमज़ोर हो जाती है, बाल टूटने लगते हैं। तो इस तरह हरगिज़ ना करें, बालों पर टॉवल लपेट लिया करें, और हेयर ड्राई से बालों को ड्राई बिल्कुल भी ना करें। इनकेस अगर आपको कहीं जाना है तो तब आप कर सकते हैं ड्राई से, वरना डेली बेसिस पर ना करें। और शैम्पू वीक में 2 से 3 बार यूज़ करें, डेली बेसिस पर यूज़ ना करें, और ऑयलिंग मस्ट करें। और अपनी डाइट का ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, प्रोटीन वाली लें और कैल्शियम वाली डाइट लें, और मिल्क पिए, पानी बहुत ज़्यादा पिया करें, और अच्छी नींद लें। तो इस तरह से आपकी बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, आपके बाल मजबूत होते हैं। और ये इजीली किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, किसी भी मॉल से मिल जाएगा, किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। और ये देखें, प्लास्टिक बॉटल में इस तरह के फ्लिप लिड के साथ है। मैं टेक्सचर की बात करें तो इस तरह का टेक्सचर है इस शैम्पू का, ये देखें वाइट टेक्सचर है, ये देख सकते हैं आप। और इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा शैम्पू है, तो यूज़ कर सकते हैं। और ये डैमेज हेयर के लिए, ड्राई हेयर वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके मेल फीमेल दोनों के लिए बेस्ट है, काफ़ी अच्छा शैम्पू है। तो आप अपने हेयर के, अपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ परचेज कर सकते हैं, छोटा बड़ा साइज़ आपको मिल जाएगा, इससे बड़ा साइज़ भी मिल जाएगा। और इसमें आपको सीरम्स मिल जाएंगे, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑयल्स मिल जाएंगे, कंडीशनर मिल जाएंगे, हेयर क्रीम मिल जाएगी,
जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने ऑयल भी यूज़ किया हुआ है इसका और अच्छा है ये। और लोरियल पेरिस का एल्विस शैम्पू, और जो लोग चाहते हैं कि उनके बाल लंबे हो तो वो ये वाला शैम्पू यूज़ करें, इससे आपके बाल लंबे होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और नहीं ट्राई किया और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।